गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास सेकेंड हिंदी। तो आप लोग अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। चैप्टर 5 स्वाधीनता दिवस। मैंने आपका इसको पढ़ के आपको मैंने बताया था, और आज हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। क्वेश्चन आंसर हम आपको बाद में बताएंगे, अभी आप इसकी एक्सरसाइज देखिए। वाक्य पूरा कीजिए। पहला क्या दिया है, देश के बंटवारे से क्या का नुकसान हुआ। देश के बंटवारे से क्या नुकसान हुआ, तो हम यहाँ क्या फील करेंगे, देश के बंटवारे से जान माल का नुकसान हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नीति फूट डालो और राज करो। तो यहाँ क्या फील होगा, हिंदू मुसलमान के बीच नीति फूट डालो और राज करो थी। ठीक है, इस दिन बच्चों को मिठाई बांटी जाती है। यहाँ आप क्या फील करेंगे, बांटी जाती हैं। नेक्स्ट है, लिए नौजवानों ने अपना सब कुछ होम कर दिया। किसके लिए, देश के लिए। हम यहाँ क्या राइट करेंगे, देश के लिए। नेक्स्ट है, भारत में सभी अपने अपने धर्मों का पालन किया। ठीक है, यहाँ पे क्या राइट करेंगे आप लोग, पालन किया। चलिए आगे देखिए, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। क्या है आपका, बहुविकल्पी प्रश्न है। तो फर्स्ट क्या दिया है, हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है। हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं कि मौलाना अब्दुल कलाम कि महात्मा गांधी। तो कौन था, महात्मा गांधी। हम यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है, हमारा देश पहले किस साम्राज्य के अधीन था। मुगल, ब्रिटिश कि पेशवा। तो हम यहाँ क्या टिक करेंगे, ब्रिटिश। हमारे स्टोरी में था ना कि हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम था। आगे है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने कौन, बना पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हम इस पर टिक का निशान लगा देंगे ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है, 15 अगस्त सन ईस्वी को भारत स्वाधीन हुआ। कौन सी ईस्वी को हुआ, 1957 को कि 1947 को कि 1967 को। 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। हम यहाँ क्या गाइड करेंगे, 1947। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया है, व्याकरण अभिव्यक्ति, इसमें ग्रामर है, आपको इसको करना है। सर्वनाम की परिभाषा लिखिए और नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो मैंने यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखी है, देखिए क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम के नामों की जगह प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, पहला देखिए दिया है, वह राम के साथ वन को गया। तो इसमें आपका सर्वनाम क्या हो गया, वह। तो आप इस पे ऐसे सर्कल बना लीजिएगा अपनी बुक में। ठीक है, दूसरा है, तुम मेरे साथ स्कूल जाते हो। तो यहाँ तुम पे आप ऐसे सर्कल बना लीजिएगा। कृष्ण और मैं खेलने गए थे, तो मैं पे आप ऐसे सर्कल बनाएंगे। इसमें मैं क्या है, सर्वनाम है। क्या हम साथ साथ नहीं खेल सकते, तो क्या में आप ऐसे सर्कल बनाएंगे। ठीक है, मेरी और तुम्हारी बराबरी नहीं हो सकती, तो मेरी इसमें सर्वनाम है, आप इस पे सर्कल बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक वचन या बहुवचन पे निशान लगाइए। हमें इसमें देखना है कि कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन है। तो तुम बाजार जा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, एक वचन। आप ऐसे एक वचन पे टिक लगा लीजिएगा। दूसरा है, बच्चे टीवी देखते हैं। तो इसमें बच्चे टीवी देखते हैं तो मतलब बहुत लोग आ गए ना, तो ये क्या हो जाएगा,
बहुवचन। हम सब बाजार जाएंगे, क्या हो जाएगा? बहुवचन। मैं नहीं खेल रहा हूँ, इसमें क्या हो गया? ये क्या है, मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो इसमें वर्ड अकेला आ गया ना, तो हम क्या करेंगे इस पे? एक वचन पे करेंगे। लड़कियाँ स्कूल पढ़ने जाती हैं, क्या हो जाएगा? बहुवचन। नेक्स्ट दिया है, नीचे वाक्य में मात्राएं और विराम चिन्ह लगाइए। अगरजा न अपन फट डाल आर रज कर, नत के तहत हित आर मसलमान क बच नफरत क बज बा दिया। तो हमें इसको क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है, ठीक है? जैसे देखिए मैंने लिखा है, तो हम इसे शुद्ध करेंगे तो क्या होगा, अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो के नीति के तहत हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत के बीच बो दिए। हमें यहाँ ये क्या है, विराम चिन्ह लगाना है यहाँ से यहाँ तक, और आपको ये चीज़ एकदम शुद्ध करके यहाँ पे मात्राएं लगाकर इसको कंप्लीट करना है, ठीक है? ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो गई। आप लोग अपने बुक में इसको अच्छे से राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए।